Come back to my channel, Dishu and I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, finally Utkal Express चलने जा रही है 27 जनवरी से, ये पूरी से चलेगी और 29 जनवरी को ये मुजफ्फरनगर होते हुए ऋषिकेश पहुंचेगी। तो आज फाइनली इसका टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ और बहुत ही घटिया टाइम टेबल है। 1:20 पर दिल्ली से डिपार्चर है दोपहर को और 9:50 पर ऋषिकेश अराइवल है, और इसी बीच में 9 घंटे इन्होंने लगाए हैं इस चीज़ के लिए। करीब 2395 किलोमीटर की दूरी तय करी है। पुरी से ऋषिकेश पहले हरिद्वार जाती थी तो जो डिस्टेंस होती 2367 होती थी और 48 घंटे 25 मिनट में कवर करती थी। अब उसी डिस्टेंस को ये ट्रेन पूरे 49 घंटे में कवर करेगी विद अराउंड 28 किलोमीटर की एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कि ऋषिकेश तक हो गई है। और डेली ये ट्रेन चलेगी 27 जनवरी से लगभग अप्रैल के पूरे मार्च तक चलेगी जब तक कुंभ मेला है। एज एन स्पेशल ट्रेन ये चल रही है, मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि ये रेगुलर ट्रेन नहीं है। जब ये रेगुलर ट्रेन हो जाएगी यानी कि 18477/78 के साथ चली तो उसका टाइम टेबल फिर से चेंज हो सकता है। सो ये रेगुलर ट्रेन नहीं है, स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल है, एज एन स्पेशल ट्रेन के तौर पर ही चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो मैं टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ वो होगा दिल्ली से यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन से ऋषिकेश का। 76 हॉल्ट्स हैं ऋषिकेश को मिला के, 76 हॉल्ट हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो टाइम टेबल बहुत इफेक्ट हुआ है, स्पेशली दिल्ली बिलासपुर से ऋषिकेश के बीच में ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का डिस्टेंस है। तो मैं दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन से ऋषिकेश का टाइम टेबल पूरा बताऊँगा। ये ट्रेन 8:45 पर डिपार्चर लेगी पुरी से, टाटा नगर पहुंचेगी 5:45 पर टाटा नगर, राउरकेला पहुंचेगी 8:48 पर सुबह के, बिलासपुर जंक्शन पहुंचेगी 2:25 पर, दोपहर के 2:40 वहां से निकल जाएगी, बीना मालखेड़ी पहुंचेगी सुबह के 2:23 पर, 2:25 पर वहां से निकल जाएगी, फिर ललितपुर पहुंचेगी सुबह के 3:37 पर, 3:39 पर वहां से निकल जाएगी, झांसी पहुंचेगी 5:00 सुबह के और 5:10 पर वहां से निकल जाएगी, ग्वालियर पहुंचेगी 7:18 पर, 7:20 पर वहां से निकल जाएगी, आगरा पहुंचेगी 9:25 9:30 पर वहां से निकल जाएगी, मथुरा पहुंचेगी 10:20 पर 25 पर वहां से निकल जाएगी, फरीदाबाद 12:25 पर निकल जाएगी, निज़ामुद्दीन यहां से स्टार्ट करते हैं 1:00 पहुंचे 1:20 पर निकल जाएगी, गाज़ियाबाद 2:08 पर 2:10 पर वहां से निकल जाएगी, मेरठ सिटी 2:52 पर 2:54 पर वहां से निकल जाएगी, मेरठ कैंट 3:02 पर वहां से निकल जाएगी दोपहर के, सकोती टांडा 3:19 पर 3:21 वहां से निकल जाएगी, मुजफ्फरनगर पहुंचेगी 3:48 पर 3:50 पर वहां से निकल जाएगी, देवबन पहुंचेगी 4:11 पर 4:13 पर वहां से निकल जाएगी। अब इसकी जो टाइम टेबल की बैंड बजेगी वो यहीं से बजनी शुरू हो जाती है कि टपरी जंक्शन पहुंचेगी 5:26 पर यानी कि 1:13 में जब टपरी जंक्शन पहुंचे 5:28 पर वहां से निकल जाएगी, 6:30 पर रुड़की स्टेशन लगभग 1:02 के बाद में 5 मिनट वहां रुकेगी, हरिद्वार पहुंचेगी 8:25 पर 6:35 से लगभग 1:50 के अंतराल में, बहुत बढ़िया 8:40 पर वहां से निकल जाएगी, 15 मिनट रुकेगी, मोतीचूर 8:51 पर निकल जाएगी, रायवाला जंक्शन 9:05 पर 9:07 पर वहां से निकल जाएगी, वीरभद्र 9:22 पर वहां से निकल जाएगी, अंत में ऋषिकेश अपने नए स्टेशन पहुंचेगी 9:50 पर रात। ये इस ट्रेन का टाइम टेबल है। अब बैंड कहाँ से बजनी शुरू हुई है इस ट्रेन की आप ये देख लीजिए। दोपहर को 1:20 पर दिल्ली से चलती है और रात को 8:50 पर यानी कि 8:50 बैठ जाते हैं ऑलमोस्ट, इतना टाइम टेबल। अगर मान लें कि पहले भी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे 2:20 में मुजफ्फरनगर पहुंच जाती थी, अभी पहुंचे 2:38 में। पहले ट्रेन सिंगल ट्रैक होते हुए 1.5 घंटा लेती थी क्योंकि ओवरटेक पड़ते थे, क्रॉसिंग पड़ता था ट्रेनों का, नौचंदी देहरादून और अहमदाबाद का, तो वो क्रॉसिंग पड़ता था। अभी भी 1:35 ये ट्रेन ले रही है टपरी, डबल ट्रैक होने के बावजूद है ये हाल। उसके बाद रुड़की हाल है, पहले की तरह 1 घंटा की तरह पहले लेती 45 मिनट, अब ले रही है 1:02। अब हरिद्वार जंक्शन की बात करें, पहले सिंगल ट्रैक था, बहुत सारी क्रॉसिंग पड़ती थी, जनता वगैरह का बहुत सारे पड़ते थे, लेकिन अब डबल ट्रैक होने के बाद भी इसका यही हाल है 1:50। ये ट्रेन का टाइम टेबल जो है बहुत ही घटिया टाइम टेबल है, 8:50 दिल्ली से ऋषिकेश के, इम्पॉसिबल लगते ही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस टाइम टेबल के बारे में, आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग एंड आई विल रिप्लाई डेफिनेटली एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम shubh_9987। अगर कुछ भी क्वारी है तो वहाँ पे आइए, वहाँ पे बात करते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द वीडियो ऑफ उत्कल एक्सप्रेस जो 27 जनवरी से पूरी से चलेगी और 29 जनवरी के लगभग आई थिंक हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँच जाएगी मुजफ्फरनगर होते हुए। सो
सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.